The message will be the same. It will be from my heart. हमारी गलती सिर्फ हमारी है, हमारी असफलता सिर्फ हमारी है। किसी को इसका दोष नहीं देना चाहिए। हमें गलती से सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे विचारों के थे हमारे रतन टाटा जी। रतन टाटा की जीवन कहानी बेहद प्रेरणादायक और उत्थानकारी है। उनका पूरा जीवन संघर्ष, मेहनत, समर्पण और अद्भुत सफलता से भरा हुआ था। टाटा ग्रुप के सबसे सफल चेहरों में से एक रतन टाटा ने न केवल अपनी कंपनी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उन्होंने अपनी निष्ठा, ईमानदारी और परोपकारिता से लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। आज घड़ी ने टिक टिक बंद कर दी है, हमारे टाइटन का निधन हो गया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। जब ये खबर आई कि भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और फिर बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के एक से बढ़कर एक काम किए हैं। आइए जानते हैं उनकी जीवनी को। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वह टाटा परिवार के सदस्य है जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध परिवारों में से एक है। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनी टाटा थी। रतन टाटा का जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया जब वे केवल 10 साल के थे। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रतन और उनके भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। उन्हें सादगी और मेहनत का महत्व समझ में आया। उनकी दादी ने उन्हें विनम्रता और निस्वार्थता के मूल्यों को सिखाया, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहे। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस के साथ काम करने का अवसर मिला। यहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और उनकी कठिनाइयों को समझा। यह अनुभव उनके नेतृत्व के तरीके को आकार देने में मददगार साबित हुआ। रतन टाटा को 1971 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई, जब उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का प्रभारी बनाया गया। उस समय नेल्को को बड़े घाटे का सामना करना पड़ रहा था। रतन टाटा ने कठिन परिश्रम और नए विचारों के माध्यम से कंपनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन इससे उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी जो भविष्य में उनके काम आई। 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही समृद्ध और विविध कंपनी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई रणनीतिक फैसले लिए और टाटा ग्रुप को वैश्विक ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। इसके अलावा उन्होंने 2008 में जगुआर लॉन्च की, लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया, जो टाटा मोटर्स के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने 2004 में टेटली का भी अधिग्रहण किया,
जिसने टाटा टी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। रतन टाटा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नैनो कार का लॉन्च है। यह कार दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य आम भारतीय परिवार को कार खरीदने का अवसर देना था। हालांकि नैनो परियोजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इससे रतन टाटा के समर्पण और सादगी का परिचय मिला। रतन टाटा की नेतृत्व शैली बेहद सरल और नैतिक थी। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण और हितों को प्राथमिकता दी। वह कर्मचारियों के साथ संवाद में विश्वास रखते थे और उन्होंने हमेशा उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। उनकी निष्ठा और नैतिकता ने टाटा ग्रुप को एक ऐसा ब्रांड बनाया जिस पर लोग विश्वास करते हैं। रतन टाटा का मानना था कि एक कंपनी का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। उन्होंने टाटा ग्रुप की परोपकारी गतिविधियों पर हमेशा जोर दिया और कई सामाजिक परियोजनाओं में निवेश किया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वह अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा विभिन्न परोपकारी कार्यों में दान कर दिया। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा यह माना कि व्यापार को समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। रतन टाटा का परोपकार केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर भी कई परियोजनाओं में योगदान दिया है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी दान दिया है। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल और विवादों से दूर रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और इस बारे में उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने 4 बार शादी करने का मन बनाया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कारण से वह फैसला नहीं ले पाए। उन्होंने हमेशा एकांत और सादगी को प्राथमिकता दी। उनके व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी विनम्रता है। उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया और हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति निष्ठावान रहे। उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है और वह भारतीय उद्योग के सबसे सम्मानीय चेहरों में से एक माने जाते हैं। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई विदेशी विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। रतन टाटा की जीवन यात्रा प्रेरणा और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने टाटा ग्रुप को न केवल व्यावसायिक रूप से सफल बनाया, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सफलता केवल मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जब हम उन्हें विदाई दे रहे हैं तो हमारे दिलों में एक गहरा आघात है, लेकिन साथ ही गर्व भी है कि हमें रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व का सानिध्य मिला। उनकी यादें, उनके कार्य और उनकी शिक्षा हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा जी, आप भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपके आदर्श और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done.